नेता धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का नया शिकार बने हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सरकार से किसानों की समस्याओं को जल्दी से हल कराने की अपील की थी। हालांकि बाद में उन्हें इस ट्वीट को डिलीट कर लिया था और इसके चलते ही उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। शुक्रवार को एक यूजर ने धर्मेंद्र के पिछले ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया था और लिखा था, पंजाबी आइकॉन धर्मेंद्र पाजी ने 13 घंटे पहले यह ट्वीट किया था लेकिन बाद में डिलीट कर लिया था। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही नहीं बेवफा होता। इस ट्वीट पर जवाब देते हुए धर्मेंद्र ने टीका हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, आपके ऐसे कमेंट्स से दुखी होकर अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था। जी भर के गाली दे लीजिए, आपकी खुशी में खुश हूं मैं। हाँ, आपने किसान भाइयों के लिए बहुत दुखी हूँ। सरकार को जल्दी ही कोई हल तलाश लेना चाहिए। हमारी किसी की कोई सुनवाई नहीं है। धर्मेंद्र के कमेंट के बाद भी यह मसला नहीं थमा और मोहम्मद जुबेर नाम के यूजर ने फिर से रिप्लाई करते हुए लिखा, पाजी मैंने गालियां नहीं दी। जब आपने किसानों के सपोर्ट में लिखा तो अच्छा लगा, बाद में देखा तो डिलीट हो गया था। वही पॉइंट आउट कर रहा था। बता दें कि किसानों के आंदोलन को लेकर मनोरंजन जगत में भी हलचल देखने को मिल रही है। एक्टर्स कंगना रनौत ने एक तरफ इस आंदोलन में खालिस्तानी और अगलावादी तत्वों के शामिल होने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ तमाम पंजाबी स्टार्स समेत एक बड़े वर्ग ने उनकी निंदा की है। अब धर्मेंद्र भी किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही जंग का शिकार हो गए हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर ट्विटर्स पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने धर्मेंद्र का समर्थन किया है। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ पर दमदार खबर देखने के लिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपको ये नोटिफिकेशन बेल का बटन दिख रहा है इसको ऑन कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी अपडेट मिल सके। धन्यवाद।